बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में दो दिन बारिश के आसार जताए गए हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो जाएगा। सिस्टम के लौटने के बाद गर्मी बढ़ेगी। बुधवार को कई जिलों में मौसम का बदला हुआ असर भी देखने को मिलेगा, यानी कि बारिश अगर होती है तो गर्मी से कहीं ना कहीं राहत होगी, लेकिन किसानों को इससे तकलीफ हो सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा असर इसका फसल पर पड़ेगा। भोपाल, इंदौर समेत तमाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिस्टम के लौटने के बाद गर्मी का असर बढ़ने लगेगा, लेकिन इस दौरान मौसम का बदला हुआ मिजाज भी देखने को मिलेगा। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर दो दिन तक प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका का असर देखने को मिलेगा। कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार देखने को मिलेंगे। अधिकतम तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं है। तेज धूप और उमस से लोग परेशान भी रहेंगे। बीते 24 घंटे में बीजापुर सबसे गर्म जिला रहा। बीजापुर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर का तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बिलासपुर और महासमुंद का 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।